नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी हम सभी बेसिक जानते हैं कि बर्थ डेट या फिर बर्थ का पूरा जो डेट है वो मिलाकर ये बनता है। तो इसमें हम देखेंगे वन बाय वन, मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा एक एक नंबर के लिए कि एक से लेकर नौ तक कि हर एक नंबर के लिए उनका लकी नंबर कैसे निकालना है, उनका लकी मोबाइल नंबर कैसे देखेंगे, उनका लकी घर नंबर कैसे देखेंगे, उनका लकी कार नंबर कैसे देखेंगे, या फिर अगर एग्जिस्टिंग आपका ऑलरेडी है ये सभी तो आपको उसको एडिट करना है तो ये कैसे आप एडिट कर सकते हो, क्योंकि कार चेंज करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है और हर एक को पॉसिबल नहीं होता है कि चॉइस नंबर ले ले, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो आपको जो नंबर मिला है उसको आप आपके फेवरेबल कैसे बना सकते हो, ये सभी मेथड्स हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यूमरोलॉजी में एक से नौ तक सभी नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। तो आज जो हम देखने वाले हैं नंबर पाँच यानी नंबर फाइव के लिए हम देखेंगे कि क्या चीज़ें फेवरेबल है क्या नहीं है, ये सभी मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा नंबर पाँच के बारे में न्यूमरोलॉजी। इसमें तीन मेथड होते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से ये तीन मेथड जो है ये आपके लकी नंबर निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहला जो है उसको मूलांक कहते हैं। ये मूलांक निकालने का मेथड ये है कि किसी व्यक्ति की जन्म तिथि को अगर आप जोड़ोगे और उसको जोड़ने से जो अंक प्राप्त होता है उसको मूलांक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है उदाहरण स्वरूप कि किसी की जन्म तिथि है 21, अगर इसको हम जोड़ते हैं 2+1 दो में एक को मिलाते हैं तो आएगा तीन, और ये तीन जो है इस व्यक्ति का मूलांक हो गया जिसका जन्म 21 तारीख को हुआ है, यानी जिस तारीख पर आपका जन्म हुआ है वो दो डिजिट है तो उसको आपको मिलाना है, जो अंक मिलेगा वो मूलांक रहेगा और वो आपका एक लकी नंबर होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं 19 का, अगर आपका जन्म है 19 तारीख का तो आप 1+9 एक में 9 मिलाओ 10 आएगा, 10 में आपको एक में 0 मिलाओगे तो कुछ भी नहीं 1 ही रहेगा तो उस व्यक्ति का मूलांक रहेगा 1। तो इस प्रकार से निकालते हैं मूलांक। दूसरा मेथड है दोस्तों भाग्यांक। किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि माह और वर्ष को जोड़ने से जो अंक प्राप्त होता है उसे उस व्यक्ति का भाग्यांक कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 21/2/1984 है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक कैसे निकालोगे, तो जैसा मैंने यहां पर दिखाया है स्क्रीन में कि आपको सभी अंक जो है उनको मिलाना है। यहां पर मैंने 0 भी लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई अगर देख रहा है मिला रहा है तिथि तो 2+1+0+2+1+9+8+4 ये पूरे अंक मिलाकर हमें मिलेगा 27। अभी 27 तो दो डिजिट नंबर है लेकिन न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 1 से 9 तक के अंक ही हम देखते हैं, तो आपको 27 को फिर से एक सिंगल डिजिट नंबर बनाना है। तो ये 2 और 7 हम मिलाएंगे तो ये अंक मिलेगा हमें 9। इस प्रकार से आपको मिलेगा आपका भाग्यांक, आपकी जन्म तिथि माह और वर्ष को जोड़कर आपको मिलेगा भाग्यांक। तो जो ये व्यक्ति है इस जन्म तिथि वाले उसका भाग्यांक रहेगा 9। तीसरी मेथड है दोस्तों नामांक। किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े अक्षरों को जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उसको नामांक कहते हैं। ये नामांक जो है दोस्तों इसके और तीन मेथड है। अभी हम इस वीडियो में नामांक नहीं देखने वाले हैं क्योंकि आपका फेवरेबल नंबर निकालने के लिए आपका मूलांक और भाग्यांक मेनली ये दो नंबर ही हमको लगने वाले है, तो अभी हम नामांक के लिए नहीं देखने वाले है। तो ये फर्स्ट दो मेथड आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे भाग्यशाली यानी लकी नंबर क्या है, देन उस नंबर की विशेषता क्या है। जो भी नंबर है हर एक नंबर पे एक ग्रह का प्रभाव रहता है, तो उस ग्रह के प्रभाव की वजह से उस नंबर के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज उस पर्सन में होते हैं तो वो क्या है ये भी हम देखेंगे। उस नंबर के साथ में कॉम्पिटेबल नंबर कौन से है, क्योंकि आपको आपका लकी नंबर निकालने के लिए ये सभी देखना पड़ेगा, आपका कॉम्पिटेबल नंबर, इजी टू मैच नंबर। दोस्तों ये यहाँ पे देखने के लिए आपको चीजें लग रही है लेकिन अब अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आप इजीली आपका लकी नंबर कैलकुलेट कर पाओगे।
नंबर के साथ में इजी टू मैच नंबर, नंबर के साथ में न्यूट्रल नंबर कौन से है, एनिमी नंबर्स कौन से है, और फाइनली हम देखेंगे कि आपका लकी मोबाइल नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, या फिर लकी कार नंबर या लकी हाउस नंबर। अगर ये तीनों चीजें आपकी परमानेंट है तो वो उस नंबर को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये भी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि घर चेंज करना, कार चेंज करना सिर्फ नंबर के लिए ये इतना इजी नहीं है, तो उसके भी मेथड्स होते हैं, और वो चेंज करके हम अपने लकी नंबर का एनर्जीज उन एग्जिस्टिंग चीजों से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक टेबल है दोस्तों जिसमें सभी नंबर्स का मैंने आपको दिखाया है कि कौन से नंबर का कौन सा ग्रह है। ये जब हम इंडिविजुअल नंबर देखेंगे तो उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, ये एक ओवरऑल टेबल आपको दिया है। ये एंड में भी मैंने दिखाया है क्योंकि इसमें देख के हमको देखना है कि जो हमारे कॉम्पेटेबल नंबर है उनसे फ्रेंडली नंबर कौन से है, उनके इजी टू मैच नंबर्स कौन से है, इसके लिए हमें ये टेबल लगने वाला है। नंबर फाइव यानी पांच नंबर जो है इसके ऊपर मर्क्यूरी ग्रह का प्रभाव होता है, यानी बुध ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर होता है, इन लोगों के ऊपर। और जिनका मूलांक पांच है, मतलब जिनका बर्थ 5, 14 या 23 इन डेट्स पर हुआ है, जो डेट है अगर वो डबल डिजिट है तो उनको अगर आप मिलाते हो तो नंबर पांच आता है, तो उन लोगों का मूलांक हम पांच कहते हैं। तो इन लोगों के लिए कौन से फ्रेंडली नंबर है, इजी टू मैच है, ये अलग अलग कैटेगरीज है नंबर के। तो इनके लिए हम कौन सा नंबर अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है, आपका एग्जिस्टिंग कार नंबर है, वो मैच नहीं हो रहा है तो उसको हम कैसे मैच कर सकते हैं उस नंबर को, क्योंकि कार नंबर चेंज करना इजी नहीं होता है, मोबाइल नंबर भी हमारा बहुत लोगों के पास होता है तो उसको चेंज करना इजी नहीं होता है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे नंबर पांच वालों के लिए। तो ये न्यूमरोलॉजी में नंबर पांच के लिए फ्रेंडली नंबर है 135। आगे हम देखेंगे कि ये नंबर हम कैसे यूज करेंगे, कैसा एडिट करेंगे, सभी देखेंगे। इजी टू मैच नंबर इनके लिए है 4, 6, 7 और 9। बाद में इनका न्यूट्रल नंबर है 8, और एनिमी यानी कि जो नंबर इनको ज़्यादा करके यूज़ करना अवॉइड करना है वो नंबर है 2। तो ये नंबर्स है मोस्टली नंबर पाँच वालों के लिए। तो आगे देखते हैं हम कि ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया है कि आपका मूलांक कैसे निकालना है, क्योंकि दो लकी नंबर होते हैं आपके, एक आपका मूलांक एक भाग्यांक। मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जस्ट एक बार दिखाया है, फिर से कैलकुलेट योर बर्थ नंबर, आपका बर्थ डेट आपको मिलाना है, जो मिलेगा वो आपका फर्स्ट लकी नंबर है। इसके बाद में कैलकुलेट लाइफ पाथ यानी कि आपका पूरा जन्म तिथि माह और वर्ष आपको मिलाकर जो नंबर मिलेगा वो आपका दूसरा फेवरेबल नंबर, यानी कि दो लकी नंबर्स आपको मिल चुके हैं। तो अभी आगे हमें क्या करना है, आपको आपका लकी मोबाइल नंबर, कार नंबर और घर नंबर कैसे सिलेक्ट करना है। अभी आपको जैसे एग्जांपल में दिखाया है, आपका डेट ऑफ बर्थ मालूम है, उसका सिंगल डिजिट नंबर यानी कि मूलांक आपको मालूम है और भाग्यांक आपको मालूम है। तो सबसे पहले जो मैंने दिया है, चेक डेट ऑफ बर्थ, फ्रेंडली, इजी टू मैच एंड न्यूट्रल नंबर, ये तीनों नंबर आपको देखना है। और इनसे यानी कि सबसे पहले जो फ्रेंडली नंबर है उनमें से कोई मिलता जुलता नंबर 9 नंबर के यानी कि भाग्यांक के जो लाइफ पर जो फ्रेंडली नंबर है उसमें है क्या, या इजी टू मैच में या न्यूट्रल में, वो नंबर एनिमी नंबर में नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आपको इन दोनों में मिलाकर एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि मोस्टली फ्रेंडली या इजी टू मैच में रहेगा, तो वो आपको बहुत फेवरेबल रहेगा। इसलिए मैंने जो पहले एक चार्ट दिया था पूरे ग्रह का, वो चार्ट आपको काम में आएगा, वो चार्ट में लास्ट में भी दिखाने वाला हूँ, तो उसमें देखकर आप ये एक नंबर निकाल सकते हो। जैसा मैंने नीचे लिखा है कि विच नंबर इज कॉमन बिटवीन डेट ऑफ बर्थ एंड लाइफ पाथ, सिलेक्ट दैट एज ए लकी नंबर। तो ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये एनिमी में नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना है। अभी आपको पता चला कि आपका नंबर क्या है, और वो जो नंबर है आपको तीन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपको तीन नंबर बहुत लकी है,
तो आप अभी कैसा करोगे कि आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर 4 है, तो उसको एडिट करने का मेथड ये है दोस्तों, अभी 4 में हम कितने मिलाएंगे तो हमको 3 आएगा। तो इजी है, इट्स 8, 8 और 4 हम मिलाते हैं तो 12 आएगा, 12 में 1 और 2 फिर से हम मिलाते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम 8 नंबर अगर मिलाते हैं 4 में तो हमें 3 नंबर अचीव हो सकता है। अभी ये 8 नंबर जो है दोस्तों, इस 8 नंबर का करना क्या है, आपको ये 8 नंबर जो है किसी स्टिकर में लिखकर आपके मोबाइल के पीछे कवर में आप रख सकते हैं, या फिर मोबाइल के कवर के अंदर आप ये 8 नंबर लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है, इसको एज अ वॉलपेपर आपको यूज नहीं करना है। जैसे आपका सिम कार्ड हिडन है पीछे मोबाइल के बॉडी में, वैसे ही आपको इस नंबर को भी वहीं पर किधर तो भी लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आप मॉडिफाई कर सकते हो आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर, आपका कार नंबर, कार नंबर चेंज करना पॉसिबल नहीं है, या फिर नया कार नंबर जो है वो चॉइस नंबर लेना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम कैसे चेंज करें। एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है, एग्जिस्टिंग आपका सॉरी कार नंबर जो है समझिए 4 है, और आपको उसको चेंज करके 3 करना है उसका टोटल, या फिर वो नंबर 3 चाहिए, तो कैसा करोगे। तो जैसा पहले मैंने बताया, 8 आप अगर मिलाओगे 4 में तो 12 आएगा, 1+2 3, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। तो ये जो 8 नंबर है, अभी आप इसको कैसे यूज करोगे कार के लिए, तो इस 8 नंबर को आपको रखना है कार में ही किधर तो भी, ये ध्यान में रखना है। आप आपके कार में ये 8 नंबर स्टिकर या फिर मेटल का 8 नंबर आप आपके कार के अंदर किधर भी रख सकते हैं, इसको साथ में लेकर आपको घूमना नहीं है, कार में ही रखना है। आपका जो एग्जिस्टिंग हाउस नंबर है उसको आप कैसे चेंज करोगे, एग्जिस्टिंग हाउस नंबर चेंज करना इतना इजी नहीं होता है कि हमने नंबर जो चाहिए वो ले लिया, या फिर ये नंबर का घर हमें चाहिए रेंट से, तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता है ढूंढना। तो इसकी वजह से अगर चेंज करना है तो आपको, अगर आपका एग्जिस्टिंग 4 है उसको 3 करना है तो उसमें 8 मिलाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने ये सेम एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि कैलकुलेशन पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए मैंने ये सेम नंबर्स लिए हैं। तो 8 नंबर आपको क्या करना है, तो आपके दरवाजे के पीछे आपको ये 8 नंबर लिखना है, या फिर स्टिकर आप लगा सकते हो दरवाजे के पीछे, मतलब घर के अंदर के साइड में, ना कि बाहर के साइड में, आपको ये स्टिकर लगाना है घर के अंदर के साइड में ही, या फिर मेटल का नंबर भी आप लगा सकते हो दोस्तों। लेकिन घर के नंबर के बारे में बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर ऐसा होता है F22, H23, इस प्रकार के अगर नंबर है तो अल्फाबेटिकली भी कुछ नंबर्स न्यूमरोलॉजी में मिलते हैं, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है इसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उतना फिर से बड़ा चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप घर के लिए जो जिनके घर के नंबर ऐसे है F23, H24, इस प्रकार के जिनके है, वो उस वीडियो में देख सकते हैं कि उसको चेंज करने के लिए उन्हें उस अल्फाबेट के लिए कौन सा वैल्यू लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं घर का नंबर। अभी हमने देखा दोस्तों कि आपको आपका लकी जो नंबर है, यानी कि मूलांक और भाग्यांक, इन दोनों के ऊपर से आपको आपका लकी नंबर कैसे निकालना है, और वो लकी नंबर कैसे निकाल कर आप उसको आपके एग्जिस्टिंग नंबर में चेंजेस करके आपके लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, ये सभी चीजें हमने देखी है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में जाकर जो वास्तु का प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक बार विजिट कीजिए, आपके काम की बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी। धन्यवाद।